दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से काउंसलिंग एडमिशन को लेकर ये नोटिफिकेशन आया है, लिस्ट जारी हुई है। तो इसमें आपको एडमिशन की तारीखें डिटेल में बताऊंगा, आपको यहाँ पर लिस्ट में किन के नाम है वो भी बताऊंगा, कितनी टोटल फीस है, कब पे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं ये नोटिफिकेशन में क्या आया है। देखिए तो ये जो है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एमटेक एडमिशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो एमटेक के डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन की लिस्ट जारी हुई है। और दो लिस्ट है यहाँ पे, गेट वाले है और नॉन गेट वाले। तो पहले यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एमटेक अगर कर रहे हैं तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में दो स्टूडेंट के नाम जारी हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दो नाम है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके फादर नाम है, मदर नेम। कैटेगरी ओबीसी एससी कैटेगरी से है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। बीटेक के इनके स्कोर है, गेट मार्क्स है 100 आउट ऑफ से, और कब इन्होंने गेट किया था वो भी है, का मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहां पर लिखा गया है। शॉर्ट लिस्टेड अगेन जेजेबी एडवर्टाइजमेंट अंडर गेट कैटेगरी। तो जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ने गेट यहाँ पर एमटेक में एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, ये है गेट वाले। उसके बाद जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए एक स्टूडेंट का नाम है ओबीसी कैटेगरी से, वो उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी एक स्टूडेंट का नाम है, ओबीसी कैटेगरी से ही है, तो इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इनके जो गेट कैटेगरी के अंडर में गेट स्कोर के आधार पर इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें एक स्टूडेंट है, लेकिन ये नॉन गेट वाले हैं, तो इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है पर नॉन गेट कैटेगरी में, ठीक है। दो प्रकार के कैटेगरी है, दोनों में सिलेक्ट किया गया लेकिन नॉन गेट कैटेगरी में। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों हैं उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है कि जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको जो टाइम है, मैं आगे आपको बताता हूँ टाइम कौन सा है, उसमें काउंसलिंग और एडमिशन उस टाइम पे होगा, और उनको जो है कौन कौन से एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट, आपके पास जितने भी डिग्री है बीटेक का लगेगा, जो अभी यहाँ पर स्कोर जो लग गेट का लगेगा आपको, है ना, तो ये सारे जितने भी मार्कशीट है आपके सभी लगेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड, ओरिजिनल में लगेगा गेट स्कोर कार्ड। और यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंडर में है एसटी एससी ओबीसी तो वो सर्टिफिकेट विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ओरिजिनल लेके जाइए। और उसके बाद जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर एसटीएससी उनको सिर्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये सब रहना जरूरी है। सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड वैलिड, तो जो भी है सब आपको लेके जाना है। और यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया कि यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि आपके अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये लोग आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं पाए जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर फीस भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फीस है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन सब होगा और डेट मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग फीस देख लीजिए एमटेक के जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए। एडमिशन फीस वन टाइम 600 रुपये लगेगा, इनरोलमेंट फीस भी वन टाइम 600 रुपये लगेगा, लाइब्रेरी फीस ईयरली लगता है 300 रुपये, और स्पोर्ट फी 250 रुपये लगेगा सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का, और स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100 रुपये एक साल का लगता है, मेडिकल फीस भी एक साल का 100 रुपये लगता है, इस विधा फी अभी नहीं लगा है, मैगजीन फी 100 रुपये लगता है, और को करिकुलम स्कूल फेस्ट इसके लिए भी 100 रुपये ईयरली, आइडेंटिटी कार्ड के लिए ईयरली 100 रुपये, ट्यूशन फीस 13,000 एक सेमेस्टर का, और लैब डिपार्टमेंट फी
₹1500 एक सेमेस्टर में लगेगा। हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फीस ₹400 हर सेमेस्टर लगेगा। तो वन टाइम जो आपको फीस पेमेंट करना है वो 800 हो गया। ईयरली फीस करना है वो 750 होगा। और सेमेस्टर फीस करना है वो 15,150 हो गया। तो टोटल ये 17,700 होते हैं। और यहाँ पर जो है इस सुविधा विल बी चार्ज आफ्टर स्टार्टिंग सच फैसिलिटी एंड रिवलेंट सेमेस्टर। तो जब इस सुविधा जब खुल जाएगा उसकी सुविधा आपको मिलने लगेगी वो ₹200 यहाँ पर लगने वाला है सेमेस्टर के लिए। डिग्री फीस वन टाइम टू बी पे लास्ट सेमेस्टर ऑफ कोर्स जो डिग्री के लिए वो ₹300 आपको लगेगा। अब मैं बता देता हूँ दोनों के लिए डेट, जो कि इस लिस्ट में गेट वाले हैं। गेट वाले स्टूडेंट 4 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 2 है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 1 है और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 स्टूडेंट है। इनके लिए क्या डेट रखी गई है काउंसलिंग के लिए, तो जो गेट वाले हैं उनको यहाँ पर ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, जो अपने अपने डिपार्टमेंट है उसमें गेट वाले जो 4 स्टूडेंट है गेट वाले उनको यहाँ पर 27 अक्टूबर को गुरुवार के दिन 11 बजे आपको काउंसलिंग होगा और फाइनल एडमिशन उस दिन आपका होगा, तो उसमें जाइए। और जो नॉन गेट कैटेगरी में 1 ही स्टूडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो वो लोग जो 1 स्टूडेंट है उसको जाना है नॉन गेट वाले को यहाँ पर 29 अक्टूबर को, ठीक है, नॉन गेट कैटेगरी के अंदर। तो 29 अक्टूबर को इसको जाना है, 1 ही स्टूडेंट का यहाँ पर नाम है, अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो गेट वाले जो है वो 27 अक्टूबर को थर्सडे को 11 बजे और नॉन गेट वाले 29 अक्टूबर को जाएंगे, वहाँ पे फाइनल एडमिशन काउंसलिंग होगी, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फीस पेमेंट करके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था इम्पोर्टेंट जो कि आज के डेट में यहाँ पे रिलीज की गई है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।